दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2021 के बारे में। दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं बताया था कि एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। और उसी से संबंधित मैं एक पोल भी करा चुका हूँ कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, कितना आपका अटेम्प्ट रह रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने उस पोल पर जवाब दिया है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। उसी के आधार पर आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि जो मैं पिछले वीडियो में कट ऑफ बता रहा था कि कितना कितना कट ऑफ जाएगा वो एकदम सही है। तो आज की इस वीडियो में भी मैं बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पोल दिखा देता हूँ जो मैं कराया था और उसमें कितने परसेंट लोगों ने क्या कहा कि कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा था कि एसएससी एमटीएस 2021 में आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 15% लोगों ने कहा कि 50 से 60, 20% लोगों ने कहा 60 से 70, 30% लोगों ने कहा 70 से 80, और 15% लोगों ने कहा 80 से 90, और 19% बोल रहे हैं कि 90 से 100। देखिए ये जो 19% बोल रहे हैं ना, ये देखिए आधे तो झूठ बोल रहे होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि पेपर जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है, ठीक है, मॉडरेट टू टफ है। तो देखिए इतना जो है अटेम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि अगर आप 100 में 100 कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये तो तुक्का वाले होंगे, तुक्का मार के आए होंगे, या तो ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि 70 से 80 के बीच में वो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। यानी कि अगर आप 70 से प्लस, अगर आप 70 से अधिक, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये रॉ मार्क्स है, ठीक है। जो भी आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, अगर आपका 90 to 95% एक्यूरेसी है, अगर आपका 90 to 95% एक्यूरेसी है, तो ये आपके रॉ मार्क्स रहेंगे। मान लीजिए आप 73 अटेम्प्ट किए, ठीक है, मान लीजिए 70 सही है, ठीक है, तो ये तो आपके रॉ मार्क्स है ना। क्या पता नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ के आपका 80 हो जाए। और ध्यान रहे कि अगर आपका पेपर सबसे टफ रहा तो आपके 12-15 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आपके 15 नंबर तक बढ़ते हैं तो 85 पहुंच जाएंगे ना आप। यानी कि अगर आप 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है। और हाँ एक बात और, अगर आपने इस पोल में हिस्सा नहीं लिया है और अपना मार्क्स नहीं बताया है तो आप जाके कम्युनिटी में, ठीक है, इसी चैनल में कम्युनिटी में ये पोस्ट है, आप इसमें अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं कि आप कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं एक वीडियो और ला दूंगा ताकि आपको एकदम क्लियरिटी हो जाए कि हाँ कितने परसेंट लोग कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अपने मार्क्स शेयर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।